19,780। बॉयस कैसे हैं आप सब? अच्छा, अभी ये सीन ऐसा है कि मैं इतना आहिस्ता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं सुबह के, सब सो रहे हैं। तो आज का सीन ऐसा है कि मैं बैठा हुआ था, एक से मैं गेट बंद कर लूँ, था कि थोड़ा ज़ोर से बोलूँ गेट बंद कर दे दूँ। तो हाँ, अब आपको आवाज़ आ रही होगी। तो सीन असल में आज का ऐसा है कि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, मेरे घर के अंदर एक 1890 मतलब बता रहा हूँ, मतलब 1800 कुछ की सन की बाइक खड़ी हुई है एक, सही है। तो आज मतलब जनाजा हो चुकी है एक तरीके से बाइक को, मैंने वो खड़े 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 मतलब पूरी बर्बाद हो रही थी। मैंने सोच, मैं बैठा हुआ था, मैंने बोला यार आज करते हैं ऐसा कि उसको 2022 के मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब बाइक है, तो मैंने बोला चलो मैं आपको भी साथ दिखाता हूँ, मतलब पूरी बाइक ही पूरी तरीके से पूरी बाइक बनेगी, मतलब हर चीज़ उसमें चेंज होनी है। तो मैंने बोला यार वो खड़े खड़े ख़राब हो रही है, इससे अच्छा इस्तेमाल में आ जाएगी, तो अभी चलते हैं नीचे। सुबह के बजे जैसे मैंने आपको बताया 9 बज रहे हैं, तो मैंने बंदे को अपने कॉल कर दी थी कि भाई बॉय मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बाइक का काम वगैरह है, उसको मैंने थोड़ा सा समझा दिया था। तो बस अभी चाय वगैरह पीते वगैरह करते हैं, नाश्ता वगैरह करके फिर निकलते हैं, ठीक है। और अभी मैं खुद अभी अभी उठाऊँ तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर निकलते हैं। आपको नीचे चल के बाइक भी दिखाता हूँ कि बाइक की हालत अभी फिलहाल कैसी है। टीन डब्बा हुई हुई है सीधी साफ, और सीधी सी बात है टीन डब्बा से उसको मैं आपको दिखाऊंगा कि बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 9, तो अभी चलते हैं नाश्ता वगैरह चाय वगैरह बनाते हैं, सब सो रहे हैं। अच्छा, अभी सीन ऐसा हो रहा है कि मैंने नाश्ता वगैरह मैं नहीं कर रहा, ठीक है, बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके कर लूँगा, क्योंकि उस बंदे का मैं लेट हो गया ना, फिर वो बोलेगा यार मेरे भाई ये है रश लगा हुआ, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ, वो बस मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं तो नीचे में आ गया हूँ, मैं वो दिखाता हूँ कि कौन सी कबाड़ भाई की बात कर रहा हूँ। ये खड़ी हुई है टीन डब्बा, सही है, इसको आज आप चेक करना। मैं अभी बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हालत कैसी थी, मतलब कैसी है हालत, और बाहर जाकर दिखाता हूँ कि हालत कैसी है, फिर बनाने के बाद कहूँगा कि हालत कैसी है। अच्छा, अभी इसका सीन ऐसा है कि अभी इसकी हालत आप देखो, ठीक है, पूरी हालत आप देखो अभी इसकी, ये इसका यहाँ से ऑयल लीक भी हो रहा है, मतलब ये फुल है, मतलब अजियत बाइक है, मतलब ख़त्म बाइक है बिल्कुल, सही है, ये इसकी हालत है। और ये इसकी आगे से लाइट भी टूटी हुई है, इधर ये जम भी बिल्कुल फारिग है, थीलियाँ वीलियाँ, मतलब ये पूरी बाइक फारिग हुई हुई है, सही है, मेरे को सही। अच्छा, अभी हालत इसकी ये है, ठीक है, अब जब मैं तो सीख करा के आऊँगा फिर आप चेक करना। वही सारा सामान यहाँ खोल दिया है, ठीक है, और अभी ये हालत हो गई है बाइक की। तो अभी ये पूरी बाइक में कलर वगैरह सारी चीज़ें होंगी, ये इसका इंजन ये पड़ा हुआ, ठीक है, इसका इंजन पड़ा हुआ है, ये मतलब पूरी खोल दी अभी बाइक, ये सारा सामान अभी नया आएगा, ठीक है। मैं इनकी दुकान में बैठे हैं मैं अभी, तो अभी इन्होंने चाय भिजवाई है, खोल रहे हैं कि चाय वगैरह पिए आप, तो अभी चाय पीते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं भाई कब तक वो काम हमारा निपटा देगा। सुबह 11 बजे के मैं आया हूँ और अभी कुछ नहीं पता कि कब तक काम निपटाएगा, अभी भी किसी और की बाइक पर लगा हुआ है बाहर। अभी इनमें जुगाड़ चल रहा है, पूरी वायरिंग निकलेगी यहाँ से, पूरी वायरिंग निकलेगी, अभी पूरी वायरिंग चेंज होगी। तो भाई अभी यह सीन ऐसा है कि अभी ये पूरी बाइक को रगड़ेगा, उसमें कलर करेंगे, सही है, हम लोग स्प्रे लेकर आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा स्प्रे है। अच्छा, ये पूरा स्प्रे है, ठीक है, अभी पूरे चेचेस पे पूरा मिला दिया।
काला कर दिया है, ठीक है। आपको जैसे नज़र आ रहा होगा बिल्कुल नया कर दिया है। अब सामान आएगा, सामान लगेगा इसके अंदर, सारा सामान आ गया, ठीक है। ये इसके जम्स आ गए, ये इसके पिछले जम पड़े हुए हैं, ये इसके ड्रम पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये चेक करेगा, देख अंदर बात सही से हो रहा है, हाँ ये पूरा सही है जम। बाकी अब ये सारा सामान आ गया है, अभी कुछ चीज़ें लेने गया है, वो जैसी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें लगती हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसके आ गई जो इसको लगनी है। भाई ये सीन अभी वो कुछ ऐसा है कि अभी सारा सामान आ गया है, ठीक है। वो कलर थोड़ा सूख रहा है, कलर जैसे ही सूखता है फिर ये लगाने की कोशिश करेंगे। और अभी 4 बज गए, ठीक है, और मैं थक गया हूँ सुबह में, 11-9 बजे का आया हूँ। तो अभी भी मतलब क्या है, सारी चीज़ें आ गई हैं, सिर्फ टायर रह गए, टायर वो उसके पास गए हुए, वो टायर लेकर आएगा, उसके बाद वो लगाने की फिर कोशिश करेंगे। कोशिश क्या लगाना है, सही है, तीलियाँ वगैरह तलने गई हैं, फिर वो आएगा, फिर सिर्फ असेंबल का काम रह जाएगा, फिर असेंबल करेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी बाइक मतलब मेरी बाइक कैसी तैयार। भाई ये हमारा आ गया सिलेंसर, ठीक है, ये नया सिलेंसर आ गया, ये मरगाड़ आ गया हमारे, ये चेन कवर आ गया जो नीचे लगता है, ठीक है, इसको यहाँ रख दिया। ये झूला है जिसमें ये झूलता है ना। ये चेन कवर आ गया, ठीक है, जो पीछे चेन में लगेगा, ठीक है। ये मरगाड़ का आ गया जिसमें नंबर प्लेट और लाइट लगेगी। बाकी ये सामान है, अब स्टार्ट हो रहा है लगने के लिए, तो देखते हैं भाई कब तक लगता है और कितने बचते हैं, हमें पता नहीं कुछ। ये थोड़ा बहुत और सामान है, ये और सामान, ये इसकी हाँ ये बेड लाइट आ गई, ये क्या आ गया, ये क्या है, 900 की सी वायरिंग है, कैसी शक्ल बनाता है। अच्छा ये हेडलाइट भी आ गई, ठीक है, जो फ्रंट पर हेडलाइट लगेगी। अब वायरिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, अब आगे से लेकर पीछे तक पूरी वायरिंग होगी, जिससे हमारी सारी चीज़ें जैसे हमारी ये हो गया और ये हो गई साथ चलेंगी, ठीक है। ये वायर यहाँ से डली है, ठीक है, पूरी नई वायरिंग है, और ये इधर भी डली और इधर से बाहर आ गई है, ठीक है, ताकि इससे हमारी सारी वायरिंग वगैरह चले। तो बता दो ज़रा, ठीक है, अभी ये जो बिल है ना, ये बिल इन सामान का, जो यहाँ सामान पड़ा हुआ है ये बिल इनका है, ठीक है। और अभी जो सामान मैंने दिया हुआ है, जो उसके पास था नहीं था, वो अभी सामान जो भी आया है ना, वो सामान का बिल अभी बनेगा, ठीक है, बिल उसका अभी बना हुआ नहीं है, जैसे ही उसका बिल बनता है फिर वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ ये बनाने के अंदर, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आधा सामान का वो बिल दिखाया है और बाकी सामान के बिल अभी बनना है। और एक बिल ये भी बन रहा है, ये पूरा बिल बन रहा है, ये भी लिखना है। पिछले जम लग गए, मरगाट लग गए, अगली चीज़ें लगना शुरू हो गई हैं, तो बस आधे घंटे के अंदर मुझे कहता है कि आधे घंटे के अंदर आपको बाइक तैयार करके दे दूँगा, पता नहीं देता है नहीं देता। भैया सुन, ऐसा है कि अभी टाइम हो गया है 8 बज रहे हैं अभी, ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं अभी तक काम से भी इधर ही पहुँचा है और बच गई है, ठीक है, अभी आधा ज़्यादा सामान है जो अभी तक लगा नहीं है, सारा सामान पड़ा हुआ है। 8 बज गए सुबह का आया हुआ, हाँ ऐसी है। आखिरकार टंकी लग गई है भाई। The next day. हाँ तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मेरे हाथ में ये है कि अटैक देने वाली चीज़ है, तो जैसे कि मैंने बोला कि अब आप लोगों को बता देना चाहिए कि कितना बर्बाद हुआ हूँ मैं इस बाइक को बनाने में। तो जैसे कि मेरे हाथ में बिल है, अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि उसने बोला मेरे भाई ये लगेगा वो लगेगा ये लगेगा, मैं लिखता गया, तो अच्छा इधर भी लिख दिया मैंने और इधर भी लिख दिया। तो जब मैंने लिख दिया फिर मैंने बोला कि अच्छा भैया हिसाब करो, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि इसके साइड में पैसे लिखे हुए और यहाँ नाम लिखे हैं भैया, खैर। तो जब टोटल किया तो बिल आया 19,780। ऐसी मेरी हालत हो गई थी, समझ रहे हैं?
तो अब सोचे आप कि क्या बोलूँ इसमें कि एक बाइक को दोबारा रीस्टोर करने में इतने पैसे लग जाते हैं भाई, और एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर आप सुबह उठे हो, आपने बोला यार चलो बाइक सीखना चाहते हैं, बाइक बनवाने गए और 20,000 का पापो मतलब पटका लग गया, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। और बाकी ये मैंने ये उनके लिए है कि ताकि अगर कोई बंदा बनाना चाहता है कि मेरी बाइक बिल्कुल ज़ीरो से बनाई है, तो 19,000 से 20,000 रुपये उसके लगेंगे लगेंगे उसको बाइक अगर दोबारा से बनानी है। बाकी अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा अफसोस बनाना है, अफसोस मना लूँ।